सैनिक राजेश के ग्लेशियर के नीचे दबे होने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं है। परिजनों की सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के प्रति गहरी नाराजगी है और सैनिक की पत्नी सहित परिजन सदमे में किए जा रहे हैं घरों में पाठ पूजा। सैनिक के परिजनों और पत्नी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें सिर्फ एक बार जानकारी दी गई और अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है और उन्हें जानकारी दी जाए और राहत कार्य को तेज किया जाए। सैनिक की शादी करीब 3 माह पहले ही हुई है। इसके घर में माता पिता के अलावा सैनिक का भाई है और माता और भाई साधारण है। आपको बता दें कि बुधवार को सेना के 6 जवान ड्यूटी के दौरान ग्लेशियर की चपेट में आ गए थे, जिसमें से एक नालागढ़ के जोगो के सैनिक राजेश कुमार भी शामिल हैं। घटना सीमा पर किन्नौर के शिपकिला के पास हुई थी। पहले एक जवान को बर्फ से निकाला गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बाकी बचे जवानों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। प्रधान सिकंदर सिंह, ग्राम पंचायत जगतवारी, उसका नाम रजेश है और वो आर्मी में 7 जैक में कार्य करता है, पर प्रशासन की तरफ से कोई भी उसका रिस्पांस नहीं है। मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है घर वालों को। एक दफ़ा ही फ़ोन आया आर्मी वालों का, उसके बाद किसी का फ़ोन नहीं आया है। एक दिन नायब तहसीलदार जी आए थे यहाँ पे और तहसीलदार साहब नालागढ़ से आए थे, बाकी SDM साहब कोई नहीं, यहाँ पे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। XMLA भी आए थे, KR ठाकुर जी आए थे और राणा लखविंदर सिंह MLA साहब, ये भी आए थे। मांग यही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढा जाए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी, पिंड जोगो। साडा मुंडा जी राजेश ऋषि, तो ये नाल होर है 5 मुंडे। तो ग्लेशियर कुल्लू जड़ा मतलब सरकार ने भी सब पता है वैसे, पर अज तक मतलब नहीं मिले, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही वास्ते। जिदा कि कश्मीर या श्रीनगर सरकार एक्शन लेंदी कि हाँ जल्दी जल्दी मतलब कि कोई रेस्क्यू टीम या स्पैशल फोर्स लगा के उन्होंने बच्चों जल्दी जल्दी निकालिया जाए, लेकिन अपने जयराम ठाकुर जी कोई भी मंत्री हिमाचल प्रदेश का किसी ने भी कोई बयान नहीं दिता कि हाँ मुंडिया साडिया जल्दी जल्दी निकालिया जाए। ऐसा कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही, जिदे करके परिवार वाले बहुत दुखी है और SDM का रोड चक्का जाम करने बारे सोच रहे कि जल्दी इन्होंने एक दो दिन एक्शन नहीं लिया तो ये चक्का जाम कर सकते और भुख हड़ताल पर भी बैठ सकते। तो मेरा मोदी जी ने भी एक बेनती है कि थोड़ा भी कोई बयान नहीं आया, तुसी भी भाई मतलब कि कोई ना कोई ये बारे कोई बयान दो ताकि देश हिमाचल सरकार कोई ये बारे एक्शन लवे। 21 तरीक नूं इन्हां नूं फोन आ गया सी शाम नूं कि इदां करके बच्चे ग्लेशियर दे नीचे दबोगे, फिर उस दे बाद ही लगातार मतलब कि ट्राई च थे कि हाँ सरकार नाल भी वह आश्वासन दे रहे कि हाँ निकल जूंगे, कल निकल जूंगे, परसों निकल जूंगे, लेकिन कोई अच्छी कार्रवाई नहीं हो रही, जिदे करके परिवार वाले भी और पिंड वाले भी संतुष्ट, सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ये कहते जी सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाना चाहते भी अज साडे बच्चों नूं, ये साडे तो बच्चा पिंड दा है, साडा अपना भाई है, भतीजा साडा जी, पर मतलब असं ये कहना चाहते सरकार में 6-7 दिन हो गए कोई एक्शन ही लिया जा रहा, साडा तो बच्चा ही पर होर बच्चे भी जिहड़े 4-5 नाल दबे वे जी, कोई भी हिमाचल सरकार इस पर एक्शन ही लै रही ना, कोई साडे मुख्यमंत्री दा या किसी दा भी मंत्री दा किसी दा MLA दा कोई भाव नहीं आया हैगा अज तक, मतलब अपने अपने बयान नहीं आया कि भाई कि बच्चे साढ़े दबे छे छेती मतलब इन्हों काला जाए। असा असी सारा अज एक पिंड दुख की लहर में अपने शोक में डुबिया वा जी, रात दिन ये परिवार नींद नहीं आती है इन्हों रात दहाड़ा मारते कितने जाए जी, अभी खुद मतलब इन्होंने सहानुभूति है, अभी सरकार तक आवाज पहुँचाना चाहते छेती छेती साढ़े बच्चों का पता लगना चाहिए, हर जो भी मतलब हैगा एक कार्रवाई तुरंत की जाए। जयराम ठाकुर जी से साथ जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छे आदमी है जी, असं ये तक अपनी पगार पहुँचाना चाहते कि वे साड़ी हाथ जोड़ के बेनती है सारे परिवार की तरफ से, सारे अपने गाँव की तरफ से और अपनी तहसील की तरफ से जी, बे तक साढ़े बे के मतलब जल्दी जल्दी इन्हों पर मतलब अपने निकाला जाए साढ़े बच्चों, साड़ी यही बेनती है जी तुरंत कार्रवाई की जाए।
नहीं तो असी मतलब अपना एज इस बार अगर अपने सहयोग दे रहे इस परिवार में और जाके असी मतलब ज्ञापन देंगे मतलब अपने नालागढ़ जाकर जे नहीं छेती कार्रवाई की गई जी। ये कनौर दे विच है जी, मतलब कोई कनौर हिमाचल प्रदेश दे विच है जी, साडी यही जगह जिहड़ी मतलब ने ये कोई भी मतलब साफ नहीं खबर कोई न्यूज आई है अब तक असी भी ये भी अधिकार किसी ने दी जी। राजेश पिंकी बस मैं थोड़े अगे यही हाथ जोड़ रही, बस यही रिक्वेस्ट कर रही भी उन्हें जिनी छेती हो सके बस उसकी खोज करो, बस मैं होरी तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस मेरी यही अपील है बस उसनु खोज करो बस उसकी, बस और नहीं मैं कुछ नहीं कह सकती। राजेश ऋषि 8 दिन हो गए उसनु, इतने दिन हो गए मैनू कुछ नहीं लग रहा है, सरकार कुछ कर रही है लगी भी। बड़ी दुखद विषय है कि हमारे क्षेत्र से भारतीय सेना में जो नामगिया चाइना बॉर्डर के साथ जगह है, नामगिया डोगरी नामक जगह पे ग्लेशियर आने की वजह से हमारे क्षेत्र का फौज में काम नौकरी करने वाला जवान उस ग्लेशियर में फंसा है। हमारी कंटिन्यूसली डेली वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात हो रही है कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है या जो जवान वहाँ बर्फ़ में दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए किस तरह से कोशिशें की जा रही है स्थानीय प्रशासन या फिर फौज के द्वारा, उस पर कंटिन्यूसली जो हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से भी कोई भी सूचना जो आती है वो हम परिवारजनों को बताएंगे और इसके साथ साथ हम परिवारजनों के भी संपर्क में हैं और उनका हौसला बनाने के लिए पूरी जो भी हमारे से उनसे मिलना है या उनसे बातचीत करनी है या उनको कोई सूचना देनी है उस तरह की सभी जो प्रयास है वो हमारे तरफ से चले। एंड स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट।